दोस्तों, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो उसके अंदर कीपैड तो ज़रूर से होगा ही। और अगर इसके अंदर कीपैड है तो इस तरह का आपके फ़ोन में कीपैड होगा वो कि वही पुराना बोरिंग लुक आपके फ़ोन को दे रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फ़ोन के कीपैड के अंदर लाइट लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें आप कलरफुल लाइट ऐड कर सकते हो। जब रात में आप किसी के सामने आपके फ़ोन से चैट करोगे तो वो लाइट इस तरह से कलरफुल लाइट ब्लिंक करेंगे। कोई भी आपके फ़ोन को देखेगा एकदम से चौंक जाएगा, वो ज़रूर पूछेगा आपने ये किस तरह से किया है। सो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन के कीपैड में कलरफुल लाइट लगाना चाहते हो तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर दिए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलना। चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप इजीली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट टाइम जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करोगे कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा LED कीबोर्ड, इसको यहाँ पे आपको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आपको यहाँ पे LED कीबोर्ड चूज़ करना है। इतना करने के बाद इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कई सारी थीम्स दिखाई देंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारी थीम्स मेरे सामने ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको LED का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा, ग्रेडियंट का ऑप्शन, जिस भी तरह की आपको थीम चाहिए यानी जिस भी तरह का आपको आपके फ़ोन के कीपैड को बनाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। वॉलपेपर का ऑप्शन भी आपको यहां पे मिल जाता है, यानी कि वॉलपेपर भी आप कीपैड में सेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, यहां से कोई भी LED इफेक्ट मैं हॉट पे आ जाता हूं और यहां पे कोई भी LED इफेक्ट, यहां पे जैसे कि मुझे ये ठीक लग रहा है RGB मॉर्निंग ड्यू, इस पे मैं क्लिक कर लूंगा। आपको जो भी पसंद हो उस पर क्लिक करना, ऐड आएगी, ऐड को आपको कट कर लेना है। इसके बाद इस तरह से आएगा, यहाँ पे आपको गेट थीम पे क्लिक करना है। गेट थीम पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अप्लाइड थीम, और आप देख पा रहे हो ये थीम जो है आपके फ़ोन के कीपैड पे सेट हो चुकी है। गाइज यहाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हो कीपैड किस तरह से कलरफुल हो रहा है। यहाँ पे फंड्स जो हैं बार बार अपना कलर चेंज कर रहे हैं। यही नहीं, आपको यहाँ पे इसमें इमोजी का ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ से आप इमोजी भी सेट कर सकते हो। अब चलते हैं व्हाट्सएप के अंदर। देख पा रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पूरी तरह से यहाँ पे कीपैड चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको जो है कुछ स्टिकर्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको तरह तरह की इमोजी यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल कीबोर्ड में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। इस तरह से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और अपने फ़ोन के कीपैड में जो है आप लाइट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन भी इसके अंदर मिल जाता है, यहाँ पे आप थीम चूज कर सकते हो। साउंड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे आप साउंड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपकी साउंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कीपैड को जैसे आप बटन्स को प्रेस करोगे यहाँ पर एक साउंड आपको सुनाई देगी। यहाँ पे आप कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, की लेआउट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकती हो। तो गाइज इस तरह से आप अपने कीपैड को आसानी से चेंज कर सकते हो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलेंगे एक नए वीडियो में। गुड बाय।